योनो SBI में जो रिवार्ड मिलता है उसे कैसे यूज करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप योनो SBI को ओपन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, उसमें भी आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और हम अपना MPIN यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। तो MPIN इंटर करने के बाद हम जो है योनो SBI के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। पहुंचने के बाद यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा, तो इस पेज को आप ऊपर करेंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है कि SBI रिवार्ड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। कभी कभी इस तरह का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप जो है फिर से यहाँ पर बैक आके जो फिर से यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करेंगे, और पेज को रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर SBI रिवार्ड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में देखिए यहाँ पे 360 पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी है, तो यहाँ पे कब तक आप यूज कर सकते, आप जो है मर्चेंट ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं IRCTC जो ट्रांजैक्शन होता है योनो SBI से, अगर ट्रेन टिकट बुक करते हैं उसमें आपको मिलता है, डेबिट कार्ड पे मिल जाता है ट्रांजैक्शन पे, SBI डेबिट कार्ड पे भी मिल जाता है। तो इसे किस तरह से यूज करते हैं, तो रिडीम नाउ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक कर देंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, एक पॉइंट का 25 पैसा होता है, तो इस चीज़ को आप समझ चुके हैं कि एक पॉइंट बराबर, एक रिवार्ड पॉइंट बराबर 25 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टाई अप कंपनी किया गया, जैसे कि फ्लिपकार्ट, एप्पल हो गया, ये सब में आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल में यूज कर सकते हैं, बस में, फ्लाइट टिकट में यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट वाउचर आप ले सकते हैं। तो इंस्टेंट वाउचर लेने के लिए आपको इंस्टा वाउचर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप चाहे तो इससे रिचार्ज भी कर सकते हैं। जैसे 3 लाइन पर आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे रिचार्ज का एक ऑप्शन है, रिचार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वाउचर ले लेते हैं। तो इंस्टा वाउचर पे आप क्लिक करेंगे, जितने भी टाई अप कंपनी है जिनका भी, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, एल्ट बालाजी हो गया, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड हो गया, तो जिसका भी आप वाउचर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट कार्ड है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंटर अमाउंट आप यहाँ पर इंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट का, एक रिवार्ड पॉइंट का 25 पैसा होता है। हम यहाँ पे 90 रुपया यहाँ पे इंटर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 90 रुपया बराबर 360 पॉइंट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन, इसको एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, और मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्मेशन के लिए आपको OTP आएगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए OTP दे चुके हैं और कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे, और कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में है, टोटल पॉइंट है 360, यानी कि 90 रुपया यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो मैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर ले रहा हूँ, ये अमेजॉन पे बैलेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद यहाँ पे मैसेज में जब आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डियर कस्टमर, अमेजॉन ई गिफ्ट कार्ड 90 रुपया का सेंड कर दिया गया है इस ईमेल आईडी पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा चेक करने के लिए ईमेल आईडी, तो चलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी को चेक कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ई वाउचर आ चुका है, यहाँ पे SBI का रिवार्ड जो है, तो यहाँ पे हमको एक वाउचर मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए ई वाउचर है और एक्टिवेशन कोड भी है। तो यहाँ से आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे कितना वाउचर का है, 90 रुपया का आपको वाउचर यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे आप सीधे जाएंगे अमेजॉन पे। अमेजॉन पे आने के बाद अगर आप इंस्टॉल नहीं किए तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमेजॉन पे पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में एक ऑप्शन एड गिफ्ट कार्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एड ए गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो वाउचर कॉपी किया है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बैलेंस दिखाना चाहता हूँ, 976 रुपये है। वाउचर कोड दे चुके हैं और एड योर बैलेंस पे क्लिक करेंगे,
और बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 रुपया यहाँ पे जुड़ चुका है, जो कि 1066 रुपया हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बैक आएंगे, होम पेज पे आएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1066 रुपया हो चुका है, और इस बैलेंस से आप जो है मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, बस टिकट, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, अमेजोन पे से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।